चलिए कुछ और अहम खबरों पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं। यूपी में भाजपा सपा में कड़ा मुकाबला है, तो वहीं तेलंगाना में क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी का टैग। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी, तो मुंबई में होगी उद्धव की मशाल की अगली परीक्षा। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर भी मतदान होगा, तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट पर भी मतदान, हरियाणा की आदमपुर सीट पर मतदान है, उड़ीसा की धामनगर सीट पर मतदान है, बिहार के मोकामा गोपालगंज सीट पर मतदान है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट पर मतदान है। 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने हैं, तो एक तरह से कई राज्यों की पार्टियों का टेस्ट यहां होना है। देखिए यूपी में जहां भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला है, देखिए एक तरह से आमने सामने हैं अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि देखिए इनकी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। उपचुनाव जहां हो रहे हैं, नतीजे देखिए 6 नवंबर को आने हैं और आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करेंगे। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार हैं, आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, भव्य यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं, आपका क्या जवाब है? 54 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिखना है तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भव्य से बात कर लेते हैं, भव्य वोट डाला है, किस तरह से क्या किस तरह देखते हैं? देखिए मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महाजनता का, छत्तीसगढ़ बरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मिलेगा। भव्य भजनलाल परिवार की नई पीढ़ी, आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है, क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं। देखिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला तो भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, और बात रही सेवा की, पूरी निष्ठा के साथ नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा। भव्य की माता जी हमारे साथ हैं, आप बताएं किस तरह से महसूस कर रहे हैं, आपका परिवार दोबारा से आगे बढ़ गया? मैं सोचती हूँ कि भव्य का ये सौभाग्य है कि उसे आदमपुर का जो परिवार 54 साल से हमारे मजबूती के साथ खड़े है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली दफा कौन से सन में आए थे, 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आए, और कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी तब आदमपुर की याद नहीं आई उन्हें। थैंक यू। माता जी साथ हैं। तो देखिए जिस तरह से चुनाव का घमासान है, लगातार पत्रकार सवाल भी कर रहे हैं पार्टियों के उम्मीदवारों से और साथ में पार्टी के नेताओं से।